देश का बंटाधार कर दिया था, चौतरफा करप्शन के रूप में भारत को पहचाना जाता था। आज अगर वो हालात बेहतर हुए हैं इन पिछले 3 सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस करप्शन और कुशासन की गंदगी को मिटा डाला और पूरी दुनिया ये स्वीकार करने लगी है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही नहीं है बल्कि निवेश का सुरक्षित ठिकाना भी बना हुआ है, तो इसलिए जो है वो हम मानते हैं कि इस करप्शन के कुनबे की जो कोसने वाली मंडली है उसको जो है वो जमीन की हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान को अगर पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है तो उसको जो है उसका स्वागत करना चाहिए। दोन्ही निर्देशांक सुमारे 1% वाढले। मूडीज ही आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी आहे, देश आर्थिक गुंतवणुकीला किती योग्य आहे हे मूडीज ठरवतात। मोडीजच्या रेटिंगच्या आधारे गुंतवणूकदार आपले निर्णय घेत असतात। रेटिंग जितकं चांगलं तेवढी परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असते। गेल्या 14 वर्षापासून भारताचं रेटिंग जे होतं BAA3 त्याच्याऐवजी आता ते BAA2 असं करण्यात आलं आहे। यामुळं परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढायला मदत होईल। GST च्या अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक दिशा मिळेल असं मूडीजनी म्हटलं आहे।